नमस्कार, एमकेएन न्यूज की खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपशिखा। आपको बताते हैं एक ऐसा मामला जो कि महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले का है, जहां प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कार्यकारी अभियंता ने ठेकेदारों से साजिश करके करोड़ों रुपयों का घपला किया है। आमतौर पर विभागों में घपले घोटाले होते रहते हैं, लेकिन इस घोटाले ने सबको चौंकाने का काम किया है। दरअसल जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स 8 जुलाई 2017 से लागू हुआ था। जीएसटी लागू होने से पहले टैक्स 13.26% हुआ करता था। जीएसटी लागू होने के बाद टैक्स की दर कम हुई। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आखिर कैसे हुआ 28 करोड़ 63 लाख का घोटाला। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। भारत सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को गरीबी कम करने की रणनीति से संपर्क रहित बसावटों को कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए शुरू की थी। भारत सरकार ग्रामीण सड़क नेटवर्क के सतत प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए उच्च और समान तकनीकी और प्रबंधन मानकों को निर्धारित करने और राज्य स्तर पर नीतिगत विकास और योजना को सुविधाजनक बनाने का प्रयास कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं घोटाले घपलों की गुफ्तगू तो होती ही है। जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स 8 जुलाई 2017 को हुआ था लागू। जीएसटी लागू होने से पहले टैक्स 13.26% हुआ करता था, जिसमें वस्तु सेवा कर 12%, आबकारी टैक्स 6.22%, वस्तु 2.24%। जीएसटी लागू होने के बाद टैक्स की दर कम हुई। ग्राफ में देखिए टैक्स की परसेंटेज। आपको बताते चले कि टैक्स दरों में बदलाव होने की वजह से कोई धांधली ना हो, इसीलिए फाइनेंस डिपार्टमेंट ने 11 सितंबर 2017 को एक अध्यादेश जारी किया, जिसमें ठेकेदारों को इस टैक्स स्कीम में बदलाव के कारण तय किए गए टेंडर से ज्यादा मुनाफा ना हो, इसीलिए नए टैक्स प्रणाली के तहत टेंडरों की कीमतों को कम की जाए। ये सिर्फ उन ठेकेदारों के लिए था जिनको टेंडर 1 जुलाई 2017 से पहले दिया गया था और जिनका एक्चुअल वर्क 1 जुलाई 2017 के बाद शुरू होना था। फाइनेंस डिपार्टमेंट ने किया था अध्यादेश जारी। 11 सितंबर 2017 को जारी हुआ था अध्यादेश। टैक्स के नियमों को कराया अवगत। टेंडर 1 जुलाई बाद होना था प्रारंभ। टेंडर 1 जुलाई 2017 से पहले दिया गया। ग्राम विकास मंत्रालय से विभागों को दिए गए थे निर्देश। प्राप्त जानकारी में ये पाया गया कि 34 जिलों में से 29 जिलों में ये योजना लागू की गई है, जिसमें नंदुरबार जिला सहित 1,243 सड़क कार्यों में भुगतान जारी करने से पहले ठेका लागत में कमी नहीं की गई थी। महाराष्ट्र के 29 जिलों में धांधली पाई गई। 1,243 सड़क कार्यों के भुगतान में किया गया घोटाला। नंदुरबार जिले में 48 सड़क कार्यों के भुगतान में घोटाला। रायगढ़, सातारा, सांगली, पालघर, सिंधुदुर्ग में हुआ घोटाला। सरकार ने घोटाले नियंत्रण में लेने के लिए मेरी सड़क एंड्रॉइड ऐप भी बनाया है, जिस पर आप अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। मजेदार बात तो ये है, इसमें भी भ्रष्ट अधिकारी अपनी जेब भारी करने कुछ न कुछ तरीका खोज लाते हैं।
तो इस प्रकार एफडी के अनुदेशों के अनुसार ठेकेदारों को भुगतान जारी करने से पहले ठेका लागत को कम करने में कार्यपालक अभियंता की विफलता के परिणाम स्वरूप ठेकेदारों को करीब 28 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भुगतान हुआ। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री ने जन जन को जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बनाई ताकि देश के गाँव की तरक्की हो, लेकिन कुछ भ्रष्ट अधिकारी और ठेकेदार खुद के विकास के लिए ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि जो ज्यादा भुगतान हुआ है उसे सरकारी महकमा कैसे, किससे और कब वसूलेगा, और साथ ही इस पूरे खेल को अंजाम देने वाले अधिकारियों ठेकेदारों पर मुकदमा दायर कब होगा। नमस्कार।